YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जिसमें अभी आपको बाय करना चाहिए। गिरावट में बाय करने के लिए काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट पे ध्यान देना है। यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा सा, यहाँ पर देख सकते हैं आज जो कैंडल बनाया है वो बता रहे मार्केट में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से मार्केट वहीं पर वहीं क्लोज हुआ। यहाँ मार्केट जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर मूव करेगा, अगर नीचे खुलता है तो नीचे मूव करेगा। अगर नीचे मूव करता है तो बस करेक्शन में जो गिरावट होगा उसमें आपको अभी लार्ज कैप स्टॉक्स को खरीदना है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है या मार्केट में और ज्यादा गिरावट भी हो सकती है। यहाँ पर जो स्टॉक्स है जिसमें आपको बाइंग करना है वो है TCS। देखिए यहाँ पर जो है ये ब्रेकआउट के आसपास है, तो यहाँ पर ऊपर निकलता है तो ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा, जो कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रीजन था। और यहाँ पर जो हमारा इसमें पहला टारगेट होना चाहिए वो टारगेट आपको 3800 का मिलना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई है या कहें डबल जो टॉप लगाया है वो है 3980 का। ये शॉर्ट टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म के जो भी इन्वेस्टर हैं उन्हें ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में हर गिरावट में बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स काफी अच्छे करेक्शन मिल रहा है। ये 4000 का हाई लगा चुका है, वहां से ये स्टॉक देखिए 3400 के आसपास आया था, यहाँ पर आप बाय कर सकते थे। मतलब हर गिरावट में आपको थोड़ी थोड़ी बाय करना है, ऊपर जाता है ऊपर के प्राइस पे बाय करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुथूट फाइनेंस काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है, गिरावट में आप इसको भी बाय करते थे। ये देखिए लगातार अपने सपोर्ट के पास आता है यहाँ से, और यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ देखने में मिल रहा है, जो कि 1390 का। और यहाँ से ये स्टॉक्स अगर इसके ऊपर निकलता है जो कि है 1517 का, इसके ऊपर जबरदस्त रूप से ये रैली करेगा। और वहीं इसमें जो टारगेट होगा 1720 का, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा आपका इसके नीचे का होना चाहिए 1380 का, इसके नीचे जाता है तो आप इसमें लॉस बुक कर सकते हैं। फिर जो तीसरा स्टॉक है वो है ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया काफी जबरदस्त स्टॉक्स, अभी आप इसके करेंट प्राइस पे इसको बाय करते हैं, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो होगा 3470 के नीचे का। और यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट अगर देता है तो देखिए एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो काफी जबरदस्त मोमेंटम दिखाएगा। तो हर गिरावट में यहाँ पर बाय है, जितना भी गिरावट मिले आप इसको बाय कीजिए, तो काफी बेहतरीन फंडामेंटल काफी सॉलिड स्टॉक्स है और ओवरऑल इसे ऊपर ही जाना है। 3400 के नीचे कभी भी मिले तो आपको बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना है यहाँ से इस स्टॉक्स को, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो दोनों व्यू के लिए। तो मार्केट की अभी जो है यहाँ पर कोई करेक्शन दिखाता है तो निश्चित रूप से इस स्टॉक में भी करेक्शन होगा मार्केट के साथ। फिर अगला स्टॉक्स है वो है हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और इसे भी आप अपने हर गिरावट में बाय कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक्स को यहाँ पर बाय करते हैं लॉन्ग टर्म में तो काफी जबरदस्त टारगेट आपको देखने मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर स्टॉप लॉस का, तो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 2300 के नीचे, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है और इस स्टॉक को हर गिरावट में बाय कीजिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करें। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस मैंने बता दिया आपको, 2300 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और इसको अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल का साइन दिख रहा है। तो फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पर मिलेगा वो होगा 2550 का, और जो यहाँ पर सेकेंड टारगेट मिलेगा वो होगा 2775 का, और जो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा लगभग 3000 के आसपास का। और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी बाय करते हैं उसे अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रखना है। फिर उसके बाद आते हैं मारुति, काफी बेहतरीन स्टॉक, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। हीरो मोटर कॉर्प, मारुति, ये सारे के सारे लीडर कंपनियां हैं, तो इसको भी आप हर गिरावट में बाय करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो सपोर्ट रीजन बना रखा है वह है 7100 से लेकर के 7000 के बीच का ये सपोर्ट रीजन है। तो यहाँ पर देखते हैं बार बार आता है, बार बार ये सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाता है, लेकिन बार बार इस प्राइस पे आ रहा है, तो अगर ये 7000 को ब्रेक करता है फिर इसमें जबरदस्त आपको गिरावट देखने मिलेगा। गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक्स को ऐड करते जाना है। फिर उसके बाद है बजाज ऑटो, देखिए ये भी रिवर्सल का साइन यहाँ पर दे रहा है, ये भी यहाँ पर रिवर्सल का साइन दे रहा है, तो आप इसको भी बाय करते हैं। बस जस्ट इसके नीचे 3030 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट आपका होगा इसमें वो होगा 3370 का। फिर जो इसमें हमें सेकेंड टारगेट निकल के आता है वो है 3650 का। तो काफी जबरदस्त ये स्टॉक्स है, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है SBI कार्ड, ये भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है,
अगर इसमें बात करें तो ये भी स्टॉक यहाँ रिवर्सल का साइन दे रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर मूव करता है, हमें नया हाई देखने मिलता है, तो निश्चित रूप से ये स्टॉक्स यहाँ से रिकवर करेगा। तो और यहाँ पर आपको जो शॉर्ट टर्म है उसके लिए स्टॉप लॉस रखना है 860 का। और करेंट प्राइस पर अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट आपको अचीव होगा वो होगा 940 का, और सेकेंड टारगेट यहाँ पर आपको रखना चाहिए 1000 का, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 1000 के ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से ये स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। तो ये स्टॉक्स भी काफी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए, आप अपने पोर्टफोलियो में अभी हर गिरावट में ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये सारे कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।